दर्शकबिंद नमस्कार, सुप्रभात। आज के दिन अपने लोग के कैसन रहत, आज के राशिफल अपने लोग के का बता रहा है, लेके उपस्थित हो गेल छी हम ब्राह्मण पंडित श्री विनोद उपाध्याय, भगवती उपासक। आज के शुभ शुरुआत करे से पहले, कार्यक्रम के प्रारंभ करे से पहले गुरु वंदना से शुभ शुरुआत कर जाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दिया महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मन से वचन कहो वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप, कर्म का दाता है आप, ही मिलते हैं ईश्वर से आप, ही भाग्य विधाता है आप, ही भाग्य विधाता है। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ चरण कमलेभ्यो नमः, पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम पाद्य गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दर्शकबिंद, आज श्रावण महीना के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, आज देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर में शिव के भक्त और प्रत्येक भक्त के घर में शंख ध्वनि के आवाज से आज शुक्रवार के शुभ शुरुआत, आज त्रयोदशी तिथि रहा है। आज महादेव के अनुपम कृपा और माता भगवती के अनुपम कृपा वाला आज के शुक्रवार रहल है। आद्रा नक्षत्र रहल है, आज वाणिज्य कर्ण रहल है, हर्ष योग रहल है। आज आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहे वाला है। आज सूर्योदय 5:27 में भेल है, तो आज सूर्यास्त 6:52 में होए वाला है। आज 2 अगस्त 2024 रहल है। आज के राशिफल से पहले आज देवाधिदेव महादेव के चर्चा और गुणगान से प्रारंभ आज के कार्यक्रम कर जाओ। दर्शकबिंद, आज के शुभ शुरुआत में हम ब्राह्मण पंडित श्री विनोद उपाध्याय, भगवती उपासक,
माता दक्षिण काली के कृपा से आज रेड टेलीविजन के माध्यम से अपने लोग के हरेक जगह पर जहां जहां रेड टेलीविजन के चैनल चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब में अगर अपने देख रहल छी, तो वास्तव में आज की शुभ शुरुआत देवाधिदेव महादेव की एक छोट चर्चा से। इस सृष्टि के संहारकर्ता भोलेनाथ के चर्चा से शुरुआत कर जाओ। भगवान भोलेनाथ और देवाधिदेव महादेव, कोई कोई भक्त अवघरदानी, कोई कोई भक्त दिगंबर भूतनाथ, कालों के काल महाकाल से संबोधित करै छत। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता ब्रह्मा के सृष्टि के रचयिता के रूप में प्रकट भेलन। विष्णु जगत के पालनहार के रूप में प्रकट भेलन और देवाधिदेव महादेव संहार कर्ता के रूप में प्रकट भेलन। कहां? माता भगवती जगदम्बा के सामिक्ष और आज भी तीनों देवता मिलके ये समस्त ब्रह्मांड के समस्त सृष्टि के पालनकर्ता पालनहार सबके बीड़ा पार आज भी लगा रहल छत। और आज भगवान भोलेनाथ के विशेष कृपा हम संपूर्ण भक्त पर बनल रहे कहित आज के दिन अपने लोग के कैसन रहे वाला है, आज के दिन अपने लोग के का बता रहल है, आ जाओ जानल जाओ आज के राशिफल से। आज के दिन आज की राशि अपने के का बता रहल है, आज के दिन विशेष अपने के कौन कार्य कैला से, कौन पूजा कैला से, पाठ कैला से अपने के दिन शुभ रहत। आए जाओ राशि के हिसाब से जानकारी प्राप्त कर जाओ। दर्शक बिंद, सबसे पहले आज की राशि जे रहल है मेष राशि। मेष राशि के जातक के आज के लेल रचनात्मक कार्य, नया कार्य होय वाला दिन रहल है। अपने के भ्रमण के योग बन रहल है। अपने के मान सम्मान में वृद्धि होय वाला आज के दिन रहल है। अपने के शिक्षा प्रति परीक्षा इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होय वाला
समय रहल है। दर्शक बिंद अब आयल जाओ बात कर जाओ वृषभ राशि के। वृषभ राशि के जातक के लेल विरोधी तत्व सक्रिय रहला से हुनकरा नया स्थान पर यात्रा करे के योग बन रहल है। अनावश्यक खर्च सेहो बढ़े वाला रहल है। घर परिवार में कलह विद्रोह के संभावना बन रहल है। अपने के उत्तरार्ध में कार्य शुभ और सिद्ध होए वाला समय है। झगड़ा झंझट से अपने के बचे वाला दिन रहल है। शत्रु अपने के सबल है, होशियार रह के अपन कार्य आगे बढ़ाएल जाए। वृषभ राशि के जातक। अब ऐसे बात कह जाओ मिथुन राशि के जातक के लिए आज के दिन अपने के ऊपर झूठा आरोप, व्यर्थ के भ्रमण, वाद विवाद से बचे वाला दिन रहल है आज की अपने के लिए। अनावश्यक भाग दौड़ के योग बन रहल है। पुत्र तथा पौत्री के पदोन्नति के योग बन रहल है। शत्रु के नाश हुए, विगत से चलित आ रहल राजकीय न्यायालय कार्य से सफलता मिले के भी योग अपने के बन रहल है। अब आ जाओ बात कर जाओ कर्कट राशि के। कर्कट राशि के जातक के आज शुभ ग्रह के प्रभाव से बंधन मुक्त होए के समय है। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होए वाला समय और योग है। अपने के लिए पुरस्कार से पुरस्कृत होए वाला समय है। अपने के आधा अधूरा काम जे रुकल रहलक वो अपने के बने वाला योग बता रहल है। और शारीरिक कष्ट हुए, देश विदेश के आकाशमात यात्रा के भी जे अपने के योग सेहू बन रहल है। अब आइल जाओ बात कर जाओ सिंह राशि के जातक के लिए आज के दिन अपने के सेवा सत्कार साथी मित्र से सहयोग मिले वाला योग बता रहल है। शत्रु अपने के कार्य में बाधा पुड़िया, अपने के कर्म निष्ठा के हिसाब से अपने के सकारात्मक दिशा के तरफ कार्य में सहयोग प्राप्त होए, अपने के आत्मबल बढ़े वाला दिन आज रहल है। अपने के प्रशासनिक कार्रवाई में पड़े के भी संभावना बता रहल है। अपने के ओम नमः शिवाय 108 माला जाप, 108 बेलपत्र पर सीताराम लिख के शिवालय में मंदिर में शिव जी के जलाभिषेक करके माला पहिरेला से अपने के कष्ट दूर होए, अपने के सफलता प्राप्त जरूर है।
ई कार्य अपने के करे के है जे सिंह राशि के जातक है। अब आइए बात कर लो कन्या राशि के जातक के लिए आज के दिन आर्थिक व्यवसाय क्षेत्र में सुधार होने वाला है। शत्रु के ऊपर विजय होने वाला विजय प्राप्त होने वाला दिन ढल है। आज व्यापार तथा नौकरी से धन आर्जन होने वाला दिन ढल है। रोग से मुक्ति पावे के दिन ढल है। पारिवारिक समस्या बहुत दिन से चलित आ रहल ओमे अपने के सफलता प्राप्ति होए वाला समय रहल है। आज परिवार के सहयोग से अपने के मन में सुख शांति प्राप्त होए वाला दिन रहल है। अपने के आधा अधूरा कार्य भी अपने के संपन्न होए वाला समय रहल है। अर्थपूर्ण यात्रा के भी योग अपने के बन रहल है। दर्शक बिंद आए जाओ बात कह जाओ तुला राशि के जातक के। तुला राशि के जातक के लिए आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में सुधार होयला से मन में शांति पूर्ण खुशहाली के भाव छाए वाला दिन रहल है। तुला राशि के शत्रु के ऊपर अपने के विजय प्राप्त होने वाला योग बन रहल है। आज अपने होशियार होके व्यापार में हाथ आगे बढ़ाई जाए। शत्रु अपने के सबल प्रबल है ए लेल नुकसान भी अपने के उठावे के पड़त। ए लेल नया रोजगार करे से पहले सोच समझ के कार्य कहे जाए। अपने के शारीरिक कष्ट में भी सुधार होए वाला समय रहल है। अपने के पारिवारिक जन से सहयोग प्राप्त और मान प्रतिष्ठा मिले वाला आज के दिन रहल है। आज अपने कहीं यात्रा के भी योग बन रहल है। अपने के यात्रा मंगलमय होए। तुला राशि के जातक के आज रुकल अधूरा काम पूरा होयला से सुख शांति समृद्धि प्रदान होए वाला आज के हुनकर दिन रहल है। अब आ जाओ बात कर जाओ वृश्चिक राशि के जातक। वृश्चिक राशि के जातक के भूमि तथा मातृ कष्ट हो सकैय। व्यर्थ के तनाव के स्थिति अपयश मिले वाला दिन रहल है। रुकल कार्य अपने के जे कार्य अपने सोच रहल छी कार्य में रुकावट भी आ सकैया। यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकैया। उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ कोई नया जगह पर गेला से आर्थिक लाभ के योग बन रहल है। ओसे अपने के मन हर्षित रहे वाला और शारीरिक समस्या हो सकैया ओसे अपने बचे के लिए विशेष ध्यान देके अपना कार्य के आगे बढ़ाया जाए। अपने के कार्य शुद्ध और शुभ होयत सिद्ध शुभ दोनों होयत। दर्शक बिंद आ जाओ बात कह जाओ धनुराशि के जातक के। धनुराशि के जातक के आज के दिन अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़े वाला रहल है। पशु चौपाया व्यापार से लाभ होए वाला है। सहयोग प्राप्त होए वाला दिन रहल है। बोली व्यवहार से अपने के मान सम्मान में वृद्धि होए वाला समय रहल है। अपने जोन पेशा व्यवसाय में जुड़ल चीजों से अपने के लाभ मिले वाला है। घर जग्गा खरीद बिक्री के भी योग बन रहा है।
अपने शत्रु से सबल होके सचेत होके कार्य आगे बढ़ाया जाए, अपने के कार्य शुभ और सिद्ध है। दर्शक बिंदा भाई, आओ बात कर लो मकर राशि के, मकर राशि के जातक के आज के दिन धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होए वाला दिन दहल है। अपने के उत्तरार्ध में आई कोई नया नगर के भ्रमण के योग है। न्यायालय तथा वैदेशिक मार्ग में अधूरा रहल कार्य पूरा होए वाला समय रहल है। अपने के घमंड के कारण शत्रु से मतभेद झगड़ा झंझट होए के योग भी रहल है। अपने के पारिवारिक टेंशन भी सतायत, अपने के धैर्यता साथ अपने आज के कार्य कर जाए, अपने के भगवान अवश्य सफलता प्राप्त करी है। अब आई लो बात कर लो कुंभ राशि के जातक के। कुंभ राशि के जातक मन प्रफुल्ल रहे वाला तीर्थ यात्रा मठ मंदिर में जाए वाला योग है। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़े वाला है। धार्मिक यात्रा के योग बन रहा है। बौद्धिक कार्यक्रम में सफलता मिले के योग रहा है। रचनात्मक कार्य तथा मनोरंजन में मन पुलकित रहे वाला समय रहा है। मिष्ठान मधुर भोजन के योग है। नया व्यक्ति से भेंट घाट और सहयोग होए वाला भी दिन रहल है। चल तथा अचल संपत्ति में वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में सफलता मिले के योग रहल है। जे कुंभ राशि के जातक छत। दर्शक बिन आई जाओ अब बात कह जाओ मीन राशि के जातक के। आज अपने के स्थान परिवर्तन, नया स्थान के यात्रा, मित्रगण से सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि, नया कार्य के थालनी, अपने के न्यायिक क्षेत्र में भी सफलता मिले के योग रहल है। इष्ट मित्र के साथ समय बितावे वाला दिन रहल है। आज के दिन अपने के मंगलमय रहे, मंगलमय बीते। दर्शक बिंद आज के राशि आज के दिन अपने लोग के जे भी बतैलक, हम ब्राह्मण पंडित श्री विनोद उपाध्याय रेड टेलीविजन के माध्यम से कह रहल छी कि माता दक्षिण काली के शक्ति से, माता मौला काली के शक्ति से सब भक्त के ऊपर हुनकर दया दृष्टि सदा बनल रहे। माता के दया दृष्टि से संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि में सुख शांति अमन चैन प्रदान होके कहित आज के राशि फल से विदा लेवे के समय हो चुकल है। दर्शक बिंद अपने लोग के आज के दिन मंगलमय बीते, शुभमय बीते, भगवती के कृपा सदा बनल रहे, देवाधिदेव महादेव के कृपा सदा बनल रहे कहित कार्यक्रम से विदा ले रहल छी। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।